मा शादी भाई हवे औरत बैठ पर आई बिछिया लाइके बर्बादी भाई रे। बॉयलर ने मातम का ऐसा समंदर खड़ा कर दिया जिसमें कई परिवार डूब चुके हैं। औरत बैठ पर आई बिछिया लाइके बर्बादी भाई रे। उनकी बेइंतहा तकलीफों को शब्दों में बयां करना आसान नहीं। कांपती हड्डियां हाथ जोड़कर बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। मांग का सिंदूर पोंछकर बेवा अपने पति की मौत के गुनहगारों के लिए सजा मांग रही है। जो वहाँ भीम सिंह है उसकी शादी का है, इसलिए हो नहीं। सब नए लड़के हैं। मजबूर पिता जवान बेटे के जनाजे को कंधा दे रहा है और पूरा सूबा ऊंचा हार के आंसू रो रहा है। हादसे की दिल दहला देने वाली विभत्स तस्वीरें अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी तो घाव ताजे ही है। समाचार प्लस की टीम हादसे के बाद उन लोगों के बीच पहुंची जिन्होंने अपनों को खो दिया। सबसे पहले हम पहुंचे लवकेश के घर। उषाहर के एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं एनटीपीसी प्रशासन के ऊपर। इस वक्त मैं कुर्मिन गांव में हूं, उषाहर के कुर्मिन गांव में, और इस गांव के रहने वाले लोकेश उस प्लांट में काम कर रहे थे, उस वक्त हादसे के वक्त भी वहां मौजूद थे, जो कि हादसे में बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। हालांकि उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक परिवार के लोगों का ये कहना है कि उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा परिवार है सदमे में है, परिवार के जो सदस्य हैं उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। ये बताइए कि जब हादसा हुआ था तो उनको एम्बुलेंस पे से भेजा गया था अस्पताल? जी हाँ जी। अभी कोई जानकारी मिल पाई कि कैसे हैं? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यही नहीं जानकारी मिल पा रही है कि हम लोग एम्बुलेंस पे लादे भी, उसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो किस हॉस्पिटल में है, कहाँ पे है, कोई यहाँ से लखनऊ तक कोई पता ही नहीं चल रहा है। जो एनटीपीसी के लोग हैं या जो प्रशासन के लोग हैं कुछ बता? ना तो कोई अधिकारी था ना कुछ, यहाँ के लोकल ही लोग ने मलहम पट्टी करके सब जैसे पाए मतलब वैसे ही लाते गए और अस्पताल रिफर करते गए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके माँ बाप का एक ही सहारा था लवकेश, माँ की एक ही उम्मीद थी। लेकिन लापरवाही के लाल लपटों ने इस बूढ़ी माँ के लाल को ली लिया। लोग बोल रहे हैं, जो लोग काम करने वाले वहाँ पे हैं, जिनके परिवार वाले हैं, बोल रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार एनटीपीसी प्रशासन है। क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ये दोषी हैं, ये जो एनटीपीसी एम्प्लाइज लोग हैं इनके ही वजह से ये घटना हुई है। जब वो मशीन खराब थी वो खराब तो उनको चालू ही नहीं करना था ये, और इसका ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था इसको 19 में कम्प्लीट होना था, ये 17 में ही चालू कर दिया, इसी की वजह से ये घटना हुई। ये सुनकर माँ खुद को संभाल नहीं पा रही, कांपते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए हाथ जोड़ रही है कि कोई तो बता दे कि ये खबर झूठी है, कोई कह तो दे कि लवकेश जिंदा है। पत्नी की मांग का सिंदूर अब फीका पड़ता जा रहा है, वो बेसुध आंखों से आंसू बहाए जा रही है और मन ही मन सोच रही है इस दिवाली दिल से लगाकर जिस घड़ी भेजा पता ये वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये बताने को तैयार नहीं कि जो लवकेश 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था वो अब किस हालत में है। एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल है। इसी हादसे में बिकई गांव के रहने वाले अवधेश जायसवाल की भी मौत हो गई। अवधेश के परिवार वाले हैं मेरे साथ, उनकी बड़ी बहन है और उनके बड़े भाई हैं मेरे साथ। ये बताइए कि अवधेश कितने दिनों से काम कर रहे थे वहाँ? अवधेश वहाँ 2 साल से प्लांट में काम कर रहे थे।
अभी दो साल से वहाँ प्लांट में काम कर रहे थे। अभी इसके पहले अपनी माँ का भी इलाज कराया, ऑपरेशन करवाया, और दो बच्चे इनके हैं अपने बड़े भाई के, उनकी देखभाल वही करते थे, और भौजाई है उसकी भी देखभाल करते थे। इनके दो दो ऑपरेशन हो चुके हैं बड़े भाई के, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, मजदूरी ही करते थे, उसी से अपना घर का पेट पालते थे, उसी से पालन पोषण करते थे। आज जब वही नहीं रहे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा। बकई गांव के अवधेश भी उचाहार के इस मौत की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी अवधेश ने। घर में इकलौते कमाने वाले भी थे। इसके बच्चे हैं? अवधेश के बच्चे नहीं, अभी उनकी 8 महीना शादी हुई, 18 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, और जो उनकी औरत अभी नई हुई है, अभी आई यही है। अब उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी माँ की देखभाल कौन करेगा, उनकी बीवी की देखभाल कौन करेगा, वो तो चले गए। उसकी एनटीपीसी उसकी जिम्मेदार है, जो भी हो एनटीपीसी उसके लिए देखे और करे बच्चों के लिए, और कोई उनकी जिम्मेदार कोई नहीं रह गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो हादसा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एनटीपीसी जिम्मेदार है। जब 11 बजे पता चल चुका कि इसमें खतरा होने वाला है, जांच वाले आए, तो क्यों नहीं मजदूरों को निकाला गया वहाँ से? इन्होंने यानी एनटीपीसी वालों ने जान के हादसा करवाया, और जितनी भी जाने गए एनटीपीसी की जिम्मेदारी है पूरी, इसके लिए जिम्मेदारी पूरी एनटीपीसी की है, पूरे परिवार की देखभाल और पूरी जाँच वो करे। जो भी है परेशानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीवी का खर्च, माँ का खर्च, पूरा जिम्मेदारी एनटीपीसी उठाए। 2 साल से भाई की हालत ठीक नहीं थी, उनके दो बेटे बेटियों की जिम्मेदारी भी वही संभाल रहे थे, लेकिन जानलेवा बॉयलर ने परिवार के एकमात्र सहारे को छीन लिया। इतने लोगों के रहते हुए भी घर सूना हो गया, और दर्द ने सबको डुबो दिया। अवधेश नहीं है इस दुनिया में, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब खर्चा कैसे चलेगा, एनटीपीसी की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, एनटीपीसी इसकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि वो तो चला गया, घर का परिवार था, सदस्य था। एनटीपीसी की जिम्मेदारी से, लापरवाही से ये जान हादसा हुआ है, लाखों करोड़ों जाने चली गई, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार एनटीपीसी हो रही है। एनटीपीसी इसका पूरा वो करे, निमाया करे, और इसके परिवार की देखभाल करे, पैसा कौड़ी जो भी चाहे होगा, नौकरी दे उसकी बीवी को। उसकी बीवी कौन पूछेगा, विधवा हो चुकी है, अब कोई नहीं पूछेगा। एनटीपीसी उसकी जिम्मेदार, उसको नौकरी दे, अपना जीवन चलाएगी, खाएगी, कमाएगी, उसको कुछ भी नौकरी पाएगी उसमें करेगी, खाएगी, ऐसा कोई उसको पूछने वाला दुनिया में है ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कि उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एनटीपीसी इनका देखभाल करे, जो भी सहयोग हो वो करे। तो अवधेश की मौत के बाद अवधेश के घर में मातम पसरा हुआ है, और जबकि अवधेश की बड़ी बहन बता रही है कि इकलौते कमाने वाले थे घर में, और उनके जाने के बाद कह सकते हैं कि इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का सीधे आरोप एनटीपीसी के ऊपर है कि एनटीपीसी प्रशासन ने अगर उन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया होता तो शायद आज अवधेश इस दुनिया में होते। हादसे में कृष्ण मुरारी बेमौत मारे गए, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे 4 बेटियों को छोड़ गए। पिता थे तो सारी खुशियाँ, और न जाने इन बेटियों की कितनी उम्मीदें उनसे जुड़ी थी। अब कौन लाएगा उनके लिए शादी का जोड़ा, कौन कराएगा उनके हाथ पीले, उन्हें कौन पढ़ाएगा और कौन ख्वाहिशों को पूरा करेगा। एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे में ऊंचाहार के तोराबी पुरवा के रहने वाले कृष्ण मुरारी यादव की मौत हो गई। घर में 4 बेटियां हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, अकेले कमाने वाले थे और अपने पूरे परिवार को चलाते थे। वैसे में सबसे बड़ा संकट है कि अब जो इनके बच्चे हैं उनकी देखरेख कौन करेगा। इस हादसे के बाद पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। ये बताइए कि आपके पिताजी कितने दिनों से काम कर रहे थे? 25 दिन। इसी 25 दिन से काम कर पूरा हो गया, 26 तारीख से 26। आप लोग पढ़ाई करती है? यस सर। तो और कोई है घर में जो कमाता हो? नहीं है, कोई नहीं है घर में कमाने वाला कोई नहीं घर में। ये बताइए कि इससे पहले कहाँ काम करते थे वो? कहीं भी नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे पहले? यस सर। और ये लोग आपकी बहनें हैं छोटी? यस सर।
तो समझा जा सकता है कि इस परिवार पर कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, इस हादसे में जिस तरीके से अभी तक का जो आंकड़ा है कि 31 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और जैसा कि अगर हम बात करें इस परिवार की, कृष्ण मुरारी यादव का जो परिवार है, आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके सामने संकट ये है कि अब घर को चलाएगा कौन, क्योंकि इकलौते वही थे जो कमाते थे, हालांकि इससे पहले वो खेती करते थे और पिछले 25 दिनों से वहां पर जाकर वो मजदूरी कर रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जान ले ली। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस। घटना के बाद अवधेश के गांव बकई के लोगों में भारी गुस्सा है। गांव का बच्चा बच्चा एनटीपीसी के वादा खिलाफी से आक्रोशित है, क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाकर इस कंपनी ने उनकी जमीन, उनके गांव सब पर कब्जा कर लिया और बदले में उन्हें दम घुटने और मौत देने वाली चीजें दे दी। उषाहार के गुरदयाल के पुरवा के रहने वाले भीम सिंह पिछले एक साल से एनटीपीसी प्लांट में काम कर रहे थे। अगले साल भीम सिंह की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले हुए इस हादसे में भीम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस वक्त भीम सिंह के परिवार के कुछ सदस्य हैं मेरे साथ, आप उनके भाई हैं? हाँ, भाई हैं। आपने देखा उनको किस स्थिति में है? वो मतलब 100 में 90% बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, 90% जल चुके हैं। कहाँ उनको कहाँ भर्ती कहाँ कराया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल, लखनऊ में। लखनऊ। तो ये बताइए कि घर में और कौन कौन है? घर में उनकी 8 बहन है, 1 भाई है, अकेला है वो। तो आप चाचा के लड़के? हाँ, हम चाचा के लड़के हैं। मतलब अकेले कमाने वाले थे? कमाने वाले अकेले थे। हाँ, पिछले एक सालों से काम कर रहे थे? हाँ, पिछले एक सालों से काम कर रहे थे। एनटीपीसी के इस प्लांट में भीम सिंह भी काम करते थे, जो हादसे से कुछ ही किलोमीटर दूर बसे एक गांव में रहते थे। अगले साल उनकी शादी तय हो चुकी थी, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन खुशियों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। हादसे में भीम सिंह बुरी तरह झुलस गए। तरीके से जो लोग हैं बोल रहे हैं कि अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो इतनी जानी नहीं गई होती, या फिर इतने लोग घायल नहीं होते, तो किसे आप लोग जिम्मेदार मानते हैं? अरे मतलब प्लांट जिम्मेदार है, डीएम एसडीएम की गलती थी। अभी पूरी तरह से बॉयलर तैयार नहीं हुआ था और उसको जबरदस्ती चलवाया गया था। एक बार टिप हुआ, उसके बाद टिप होने के बाद फिर भी दोबारा चलवाया गया, और जब आग पकड़ ली तो उस पर जबरदस्ती पानी ढिलवाया गया, क्योंकि पानी से देखो कोई चीज फटता है जब गर्म ज्यादा हीट हो जाता है बॉयलर, तो वो फट चुका था। जब फटा तो ये उसी बॉयलर पे थे। अब लोग क्या चाह रहे हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इस हादसे को लेकर? अरे जैसी कार्रवाई, बस सुई, मतलब सुई दवाई दर्म सही से होना चाहिए, सही से हो नहीं रहा। जहाँ ले जा रहे हैं सिर्फ मलहम पट्टी लगा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसके इलाज में भी लापरवाही की जा रही है। हाँ, इलाज में भी लापरवाही हो रही, कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग पागलों की तरह डॉक्टरों के पीछे घूमते रहते हैं। तो भीम सिंह के परिवार में कह सकते हैं कि इकलौता कमाने वाले थे और 8 बहनें हैं। वैसे में समझा जा सकता है कि जो जिस हालत में अभी भीम सिंह लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि उनको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस परिवार में इकलौता कमाने वाला था उसी के सहारे पूरा परिवार चल रहा था, अब उस परिवार का गुजारा कैसे होगा? कहते हैं उद्योग लगने से गांव की तरक्की होगी, लेकिन एनटीपीसी प्लांट के आसपास बसे गांव के लोग आज अपनी किस्मत कोस रहे हैं। इस प्लांट से अब उन्हें काला धुआं, कार्बन, राख, बस यही मिलता है। जिंदगी नरक बन गई है, खांसने पर भी गले से राख ही निकलती है। किसी प्लांट में हुए हादसे के बाद जो आसपास के गांव हैं, वहां के लोग काफी आक्रोशित हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं एनटीपीसी प्रशासन पर कि लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इनका यह भी आरोप है कि अभी भी एनटीपीसी प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है। यहां के कुछ लोग हैं जो आसपास के गांव हैं, वहां के कुछ लड़के हैं हमारे साथ, ये बताइए आपका नाम क्या है? अजय कुमार। ये बताइए कि जो हादसा हुआ है, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो एनटीपीसी प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से। बिल्कुल, उनकी ही गलती, सारी गलती एनटीपीसी के। देखा जाता है कि जैसे 1-2 बजे 2-3 बार ट्रिप की, उसके बाद वहां जो इंजीनियर लोग थे और बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, उन्होंने कहा कि चालू करो इसको, और वहां के कुछ लोग लेबर मजदूर लोग बोले साहब अभी ये नहीं चल पाएगा, वो बोले मेरी जिम्मेदारी है, चालू कराया। उसके बाद वो पाइप फट गया और उससे करीब 150-200 लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो आसपास के गांव हैं,
कई लोगों की मौत हुई है, जो गांव में यहां काम करने वाले लोग थे जो मजदूरी कर रहे थे, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई लापरवाही की जाती थी? पहले भी लापरवाही काफी बार हुई है, लेकिन छोटे मोटे हादसे हुए है, उससे अवॉइड कर दिया गया था। बट अब की ब्लास्ट हुआ है काफी बार, जबकि उस पर पानी नहीं डलवाना चाहिए था जब हीट हो गया था। तो आसपास के गांव के कुछ युवा लड़के हैं, इनका सीधा कहना है कि पहले एनटीपीसी की तरफ से कहा गया था कि एनटीपीसी के दायरे में 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन गांवों में बिजली दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन गांव में बिजली नहीं दी गई और ना ही कोई सुविधा दी गई। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस ऊंचाहार। शादी भाई हवाई यह औरत बाइड पर आई बिटिया लाइक बर्बादी भाई रे। इस वक्त मैं ऊंचाहार के बिकई गांव में हूं और ये गांव एनटीपीसी प्लांट के ठीक बगल में स्थित है। वहीं एनटीपीसी प्लांट जिसमें कि बॉयलर फटने से 31 लोगों की मौत हो गई थी, वैसे आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठीक बगल में जो चारदीवारी है एनटीपीसी प्लांट के, वो यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है और जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर कोयले की पिसाई होती है। दिन रात कोयले को यहाँ पर पिसा जाता है ताकि उस कोयले को इस्तेमाल किया जा सके यहाँ के प्लांटों में। लेकिन जो गांव की हालत है इस प्लांट की वजह से वो कितनी बदतर हो चुकी है उसकी एक तस्वीर आप खुद ही देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर चारों तरफ कोयला फैला हुआ है। वैसे मैं समझा सकता है कि जो गाँव के लोग हैं किस हालात में यहाँ पर जी रहे हैं। जो लोग हैं उनका कहना है कि इस वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियां होती है, लोग टीबी के मरीज हो रहे हैं। कुछ गांव के लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, हम इस प्लांट को ठीक बगल में देख रहे हैं, इस गांव की कितनी आबादी होगी? चार हजार है सर। 4000 के? हाँ सर। तो ये कोयला क्या मतलब ऐसे ही फैलता रहता है? सर ऐसे ही रहता है, उसमें पानी भी नहीं डालते सर, उड़ता रहता सर। अगर इसमें पानी की व्यवस्था, कोयला तो पूरे गांव में फैलता होगा फिर? सर पूरे गांव फैलता, मगर मशीन चेक करने में आता है सर, बहुत दूर लगाते हैं, वैसे कोई फायदा नहीं वहाँ पे। अगर यहाँ कोयले से तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ टीबी के मरीज हो जाते सर, बच्चे लोग छोटे छोटे नाक से निकलता है सर, मुँह से निकलता है खाने पे। यहाँ के बहुत जनता पब्लिक परेशान है सर, नाक में पूरे में क्या नाम रहता है पूरा कोयला वाला एकदम। आप यहाँ पे सो जाइए, अगर सुबह उठिए तो सर पूरा बताते हैं, खुले में आप सो भी नहीं सकते? नहीं सर, नहीं सकते सर। अगर सर सुबह उठ लगा के पोछेंगे तो पूरा रुमाल आपका चेहरे काला हो जाएगा। अगर आप यहाँ सुबह उठे और अपना व्हाइट रुमाल से अगर अपना चेहरा पोछेंगे तो पूरी तरह से काला दिखेगा रुमाल, ऐसा पूरा ये स्थिति। अभी ये गर्मी का जो 3 से 4 महीना होता है उस दौरान तो इतना कोयला आता है कि उसकी कोई जवाब नहीं है। आप चाहे रोड पे, चाहे घर पे, चाहे द्वारे ऐसा झाड़ू मारेंगे तो इतना कोयला का पाउडर पूरा निकलता है। बीमारियां भी होती है? बीमारियां बहुत ज्यादा है इससे, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, किसी को दमा की बीमारी हो रही है, टीवी के मरीज हो रहे हैं। पूरे गांव का यही हाल है? पूरे गांव का यही हाल है। पानी का छिड़काव छिड़काव भी कहीं नहीं होता है सर, न यहाँ पे कभी एनटीपीसी न रोड के लिए आती है कि यहाँ का लोग कैसे रह रहे हैं, ना बिजली की कोई सुविधा। तौर पर देखा जाता है कि जहाँ पर ऐसे प्लांट स्थित होते हैं तो प्रदूषण की टीम आती है उन गांवों में जो जांच करने, दूर चेक करते हैं, बाहर लगाते जाए यहाँ से 4 किलोमीटर, वो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर पे जांच करते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं निकलता सर। पोल्यूशन टेस्ट के लिए मतलब यहाँ कोई टीम नहीं आते हैं सर? कोई टीम नहीं? कोई नहीं आती सर। कभी शिकायत आप लोगों ने किया यहाँ प्रशासन को? शिकायत सर करने जाओ कोई सुनता ही नहीं सर। जी डीएम भी आते पिछले साल, बताएं उनको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है सर, ना पेड़ों पे फल खिलते हैं फरते हैं, ना सब्जियाँ खेत में, कुछ कुछ नहीं होता खेत में यहाँ पे सर। सर गांव वाले इतना त्रस्त हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि गांव छोड़ देंगे, मुआवजा दे देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। इतना कंपन होता है सर यहाँ पे, घर कंपन होता है बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, सोते समय दरवाजा ऐसा खिड़की ऐसा खटखटाता है, लगता है जैसा कोई आंधी या तूफान आ गया हो कि घर गिरने वाला हो, इसी तरह भूकंप की जैसे पूरा वाइब्रेट होता है रात में। तो समझा जा सकता है कि जिस गांव में चारों तरफ सिर्फ कोयला ही कोयला फैला हो उस गांव के लोग किस हालात में जी रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि आप यहां पर खुले में सो भी नहीं सकते क्योंकि दिन रात यहां पर कोयला जो प्लांट में
पीसा जाता है वो कोयला यहाँ पर फैलता है। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई इस छत की, उसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि इस गांव के लोगों की क्या हालत होती होगी। गांव में जो टीबी के मरीज हैं, गांव के लोगों का कहना है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रात में इतना कंपन होता है कि घरों में आराम से सोना भी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात कि जो पॉल्यूशन टेस्ट के लिए टीमें आती हैं, इनका कहना है कि वो टेस्ट भी इस गांव में नहीं होता है। दूर के गांव में वो टीमें जाती है, वहां पर जांच करके जो रिपोर्ट होती है वो सौंप दी जाती है पॉल्यूशन बोर्ड को। वैसे में ये जो तस्वीर है, कह सकते हैं कि एनटीपीसी प्लांट के हालात को बयां करती है। जो हादसा हुआ है उसके पीछे जो जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है, उस पर भी एक सवाल खड़ा ये तस्वीर कर रही है, क्योंकि जो जांच की जो टीम बनाई गई है उसमें एनटीपीसी के अपने लोग हैं। वैसे में लोगों को भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आशंका है कि जो जांच होगी कितनी सत्य होगी, जो जांच की दिशा होगी वो उस पर कितना भरोसा किया जाएगा। कैमरामैन मानस के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, उषा। यह औरत भाई पराई बिटिया लाइक बर्बादी भाई रे।